घर में एक्चुअली मेरे लकीली दो दोस्त थे वहाँ पर, एक दूसरे का सपोर्ट बन के वहाँ पर पहुँचे। और वो, अरे भाई तू इंटेलिजेंट है, बेवकूफ मत, ये गलत कैसे करेगा, जगह हाँ गलत जगह पे पहुँच गया, ये इसके बस की नहीं है। बट लोग आपकी स्ट्रेटेजी ख़राब तो करेंगे ही, हाँ तो जब ख़राब होगी तो कुछ ना कुछ तो आपके तरफ से भी गड़बड़ होगा ही। अगर अब ब्रेकअप हो गया तो यार क्या पता पैचअप हो जाए बाहर आके। कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को वापस एक मौका मिलता है ऑडियंस से कनेक्ट करने का। हाय गाइस, दिस इज करण शर्मा हियर, यू वॉचिंग मी ऑन टेलीचस्का। मोस्ट टॉप रियलिटी शो बिग बॉस की अगर बात करें तो बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप इतने बिजी शेड्यूल में? बिग बॉस थोड़ा बहुत फॉलो कर पाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं। हाँ कुछ टाइम तक मैं रेगुलरली देख रहा था, पर अभी तो रिसेंटली थोड़ा नहीं देख पाया हूँ। बढ़िया, आई नो हु ऑल आर देयर, थोड़ा बहुत। कुछ नहीं, ओके अभी तो बात अलग है। तो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट की बात करें तो फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और कोई दोस्त है क्या आपका घर में? घर में एक्चुअली मेरे लकीली दो दोस्त थे वहाँ पर, हाँ अभी भी हैं। आई थिंक अर्चना स्टिल देयर, या हाँ अर्चना अर्चना स्टील इज देयर एंड अंकित वॉज देयर। अंकित वॉज देयर हाँ हाँ अंकित इज माई ओल्ड जिम बड़ी, जब हम साथ में जिम करते थे। उसके बाद वो चंडीगढ़ चला गया शूट करने, तब भी ही वॉज इन टच विद मी, तो हम लोग गप्पे शप्पे मारते रहते थे। अचानक से पता लगा वो बिग बॉस पहुंच गया, उसके बाद तो बात ही नहीं हुई, बिकॉज आई थिंक दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ फोन एंड एवरीथिंग, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो जब वापस आएगा तब मिलेंगे। बट ही वॉज़ डूइंग गुड यार, जैसा वो है वैसा ही प्लेड एंड देट वॉज गुड। मुझे भी डर था कि अंकित कहाँ पहुँच गया बिग बॉस में, यार ये कैसे करेगा, गलत हाँ गलत जगह पे पहुँच गया, ये इसके बस की नहीं है। बट तेजो और अंकित की जो केमिस्ट्री थी वो बड़ी अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी, ऑडियंस को भी अच्छी लगी। राइट एंड वो आई थिंक इसीलिए एक दूसरे का सपोर्ट बन के वहाँ पर पहुँचे। और वो मुझे लगता है कि ऐसा अगर कोई पार्टनर मिल जाए तो उसके सहारे कोई भी डिफिकल्ट लेवल आप क्रॉस कर सकते हो। और बात रही अर्चना की, तो वो तो अर्चना भी हमारी एक पुरानी मित्र है, हम लोग कुछ साथ में करने भी वाले थे एक वेब सीरीज़ के लिए, सिटोल में करने करते हैं साथ में। हाँ पर वो कुछ सीक्वेंस ऐसे थे कि यार मैंने कहा यार ये थोड़ा सा अभी मैं रेडी नहीं हूँ, वेब सीरीज़ में आप लोगों को पता ही है क्या क्या होते हैं। तो सिटोल की कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कुछ होगा साथ में करेंगे। और उसके बाद रिसेंटली जब वो वहाँ पहुँच गई, पहले तो वो पॉलिटिक्स में चली गई थी, हाँ तो मुझे लगा ठीक है पॉलिटिशियन बन गई, अच्छा है, चलो भाई कल को कुछ काम होगा तो हम अर्चना जी के पास जाएंगे, अर्चना जी कुछ सिफारिश लेकर। बट कट टू शी वॉज इन बिग बॉस, तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। एंड अच्छी बात ये कि अर्चना जैसी है वैसी प्रेजेंट कर रही है हाँ और ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट कर रही है उस चीज़ में, राइट वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो क्योंकि एज एन एक्टर हम डरते ही हैं, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में अलग होते हैं और हाँ स्क्रीन में अलग होते हैं। तो अगर आप रियल लाइफ और स्क्रीन वाली एक ही इमेज हो जाए तो बहुत इजी लाइफ हो जाए। जैसे मैं हूँ, अगर आप मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें गाइस, तो मेरे लिए लाइफ इजी हो जाएगी। कि अगर मुझे नहीं आती ये चीज़ तो नहीं आती, भाई मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो करता हूँ, मुझे यस बहुत सारी डांट पड़ती है, मैं बहुत स्पेलिंग यस मिस्टेक करता हूँ। और मैं यस पहले ज़माने से, वो तो आजकल मैं बुक्स, मतलब काफ़ी सारी ऐसी वो आते हैं, इफ़ यू हैव सीन की इंस्टाग्राम पे, इफ़ यू कैन रीड दीज लाइन्स, वो वर्ड्स स्पेलिंग वर्ड्स विदाउट, या वो स्पेलिंग मिस्टेक के साथ डाले रहते हैं, बट इफ़ यू कैन रीड देन योर ब्रेन इज़, एक्टिव हाँ होने एक्टिव, लगता है। यस। हाँ तो मुझे पता लगा बाद में कि अरे भाई तू इंटेलिजेंट है, बेवकूफ मत। मैंने कहा अच्छा बचपन से मुझे ऐसे सिखाया गया, तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता है। पर और मुझे लगता है कि शायद मैं 10th में, मुझे जो इंग्लिश में अच्छे नंबर मिले थे वो इसी कारण मिले थे, क्योंकि टीचर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर रहा होता है, वो पूरा ऐसे पढ़ते हैं बस, खाली तो रीड हाँ हो जाती है, ऊपर 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 से रीड करते हैं, और हमारा ब्रेन ही ऐसे रीड करता है एक्चुअली। हाँ तो वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका ब्रेन एक एक वर्ड, एक एक स्पेलिंग को नहीं पढ़ता, वो ऐसे वर्ड हाँ पढ़ता है कलेक्टिवली। सो वो अच्छी चीज़ है। सो अगर आप मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर लें कि भाई जो मेरी मिस्टेक्स हैं उनके साथ, तो आई बी मोर देन हैप्पी। और या ऐसा कुछ हो जाए तो फिर मैं किसी भी बिग बॉस या कहीं भी जा सकता ओके जैसा कि आपने कहा अर्चना आपकी दोस्त दोस्त है, मतलब ये हूँ। दोस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर जरा रोशनी दोस्ती डाले। शुरुआत, दोस्ती की शुरुआत एक्चुअली हम लोग किसी ऑडिशन पे मिले थे, तो बात करने लगे, फिर बातचीत हुई, पर हमारी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई जितनी टेलीफोनिकली बात हुई है। हाँ और एक बार ही हम लोग मिले हैं, तो वी बिकेम फ्रेंड। ऐसा हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, दोस्त तो होते हैं पर मिलते कम हैं, राइट हाँ ना। दोस्त तो हाँ हैं मेरे, बहुत सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, पर मिलाना, अगर मिलने वाली बात होगी तो कई बार 2 साल में एक बार ही मिले, 1 साल में। आशा हो गई, ऋत्विक हो गए, शक्ति हो गई, ये मिलते ही नहीं हैं, पुराने दोस्त हैं जबकि, है ना।
तो अब मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं, यस क्योंकि दे आर बिजी इन दे ओन लाइफ। या तो मैंने कहा ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। साथ ही अगर बिग बॉस की बात करें तो कई बार अर्चना ऐसी कुछ चीज़ें बोल जाती है या कर जाती है जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ भाई, वो थोड़ी चीज़ें उन्हें ध्यान देनी पड़ेंगी, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप ठीक है बिंदास हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी के लिए आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी। अब आप जैसे घर पे घूमते हो है ना, वैसे बाहर नहीं घूम सकते ना, देर इज़ अ डिफरेंस मतलब है ना। घर में तो आप कैसे भी आप घूमने जाओ हैं, आपका मन किया जो पहनना है नहीं पहनना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट बाहर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो वही थोड़ा सा उसकी उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी शी इज़ डूइंग गुड आई थिंक। प्रियंका की बात करें तो प्रियंका के गेम को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि वीकेंड के वार पर कई बार उन्हें डांटा भी जाता है, तो उस चीज़ पर आपका क्या कहना है? प्रियंका आई थिंक शी इज़ अ स्वीट गर्ल और अच्छा कर रही हैं वो। यार ठीक है, सलमान भाई तो थोड़ा बहुत डांटेंगे ही, और क्या होता है ना घर में आपको पता नहीं लगता, इतने सारे लोग आपको पोक कर रहे होते हैं और आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, लोग आपकी स्ट्रेटजी ख़राब तो करेंगे ही, तो जब ख़राब होगी तो कुछ ना कुछ तो आपके तरफ से भी गड़बड़ होगा ही। सो आई थिंक वो एक्शन रिएक्शन होता है, और हर हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ्लॉस निकल ही जाते हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, और जब परफेक्ट है ही नहीं तो कोई ना कोई तो इश्यू निकलेगा ही। ओके। शिव की बात करें तो शिव का गेम आपको कैसा लगता है? क्योंकि सब कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं मंडली को चला रहे हैं। आई थिंक वो उनका एक पैटर्न है, और हर किसी का एक इंडिविजुअल गेम है, उसके लिए हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, जब तक अगर वो अपने जो भी उनको टास्क दिए जाते हैं वो प्रॉपरली कर लें है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे वही विनर होगा जो टास्क प्रॉपर करता है, और जो थोड़ा सा लिमिट में बदतमीजी करता है, बदतमीजी तो सबसे हो ही जाती है ना। अभी क्या करोगे आप, जो एक घर में बांध दिए अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोगों को, आप एक फैमिली में ही लोगों में झगड़े हो जाते हैं जबकि एक ही ब्लड होता है, तो वहाँ तो हर कोई अलग अलग फैमिली से आया, तो वो तो होगा। शालीन टीना को लेकर क्या कहना चाहोगे? शालीन, शालीन को भी मिला मैं एक दो बारी, शालीन से इज़ अ नाइस गाय एंड पर ठीक है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट आई थिंक। अभी और तो ब्रेकअप 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 हो है। गया हाँ, ब्रेकअप ब्रेकअप चालू है। अभी, देर इनिशियली दे ट्राइड देयर बेस्ट टू लुक एज ए लव बर्ड्स आई थिंक। अगर अब ब्रेकअप हो गया तो यार क्या पता पैचअप हो जाए बाहर आके, यू नेवर यू नेवर नो नो। गाइस, वहाँ पर जो चीज़ें नहीं चलती कई बार बाहर चल पाती हैं, और जो वहाँ चलती हैं वो बाहर नहीं चलती, ऐसा देखा गया मैं जल्दी बिग यस बॉस में है ना। यस। निमृत की बात करें तो निमृत के गेम को लेकर आपका क्या टेक है? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मंडली के सहारे यहाँ तक पहुंची है, शिव को सब मतलब शिव का सहारा लेकर यहाँ तक पहुंची है। हाँ यार निमृत अच्छी लड़की है, अगर वो लड़कियों को अगर थोड़ा स्मार्ट प्ले कर रही है मैं यही कहूँगा, और क्या है, अब किसी का सहारा वो तो स्मार्टनेस है यार। अगर हम किसी को कैसे आपको यूज़ करना है या उसका सपोर्ट लेके कैसे चलना है, गिव एंड टेक, फ्रेंडशिप में गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है ना। फ्रेंडशिप तभी सक्सेसफुल होती है जब एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त की हेल्प करें, सो वो सहारा बोलो या फ्रेंडशिप बोलो दैट्स अप टू यू गाइस। ओके। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि अभी क्योंकि फिनाले नज़दीक आने वाला है, फरवरी को, फरवरी 12 को फिनाले है, तो आप किसको टॉप 5 या टॉप 3 में देखते हैं? यार आई थिंक प्रियंका को मैं देखना चाहूँगा टॉप 3 में, और उसके अलावा यार कौन हो सकता है, और तो मुझे भाई जिनको मैं जानता हूँ उन्हीं को मैं फेवर करूँगा। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर टैलेंटेड हैं, बट कौन जीत पाएगा या टॉप 3 में होगा तो प्रियंका होगी। आपने और कौन, मेरे को और बताओ। शिव है, अर्चना है, निमृत है, एमसी स्टैन है, सुम्बुल है। निमृत का मैंने उनका ज़्यादा गेम देखा नहीं है ना, तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मैं एक ही बंदे को थोड़ा बहुत जानता हूँ प्रियंका को, अंकित की वजह से थोड़ा बहुत मतलब जितना उनका देखा है मैंने, अंकित की वजह से मैं देखता था, तो उन्हीं के लिए मैं विश करता हूँ कि वो रहें वहाँ तक टॉप 3 तक है ना, बाकी जो भी आए ऑल द बेस्ट टू देम।
ओके आपका कुछ सोच विचार है बिग बॉस करने का, या पहले कभी ऑफर्स आए थे और आपने डिक्लाइन किए हो? नहीं नहीं यार, मुझे बिग बॉस कभी भी मुझे नहीं करना था, क्योंकि मुझे करना ही नहीं यार बिग बॉस, वहाँ रियलिटी आती रहती है बार, और मैं रियल में कैसा इंसान हूँ अगर उसे वो पता लग गया तो फिर वो सस्पेंस रहना चाहिए ना इंसान का, कुछ कुछ पार्ट एक्टर की कुछ चीज़ें छुपी रहनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर सब कुछ पता लग जाएगा फिर वो आपको उसके लिए वो अट्रैक्शन नहीं रहता किसी भी इंसान के लिए, अगर आपको वो करना है कि मतलब जब तक आप किसी इंसान को पूरा जानते नहीं हो तो वो आपको अट्रैक्ट करता है, जब वो इंसान खुली किताब के तरह आपके सामने आ जाए तो फिर आपको लगता है ये तो अरे नॉर्मल इंसान है, तो वो नॉर्मल इंसान नहीं बनना, टू बिकम अ सेलिब्रिटी बहुत मेहनत की है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मैं अवॉइड करना चाहूँगा एज ऑफ नाउ, अगर मुझे ऑफर आता भी है और खुदा ना खास्ता कभी ज़िंदगी के ऐसे स्टेज पे आ गया और जब हमें ज़रूरत पड़ी कि यार बिग बॉस में जाना पड़ेगा तो अलग बात है, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके बिग बॉस की अगर बात करें तो कई बार ये ऐसा लोगों का कहना है कि जब करियर एंड पे आता है तब लोग बिग बॉस चूज़ करते हैं ताकि हाइप फिर से मिले, तो इस पर आपका क्या टेक है? हाँ सही है, मुझे लगता है कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को वापस एक मौका मिलता है ऑडियंस से कनेक्ट करने का, क्योंकि एज एन एक्टर आपका एक लाइफ मतलब एक हर एक फेज़ होता है है ना, तो वो एक फेज़ एक अगर आपका चला गया है तो फिर आपको लगता है यार अभी काफ़ी टाइम से आप स्क्रीन पे नहीं दिखे और आपको बिग बॉस ने अप्रोच कर लिया, तो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कम बैक ऑन स्क्रीन, और आप वहाँ पर कुछ धमाल मचा देते हो तो फिर अगेन आपकी एक लाइफ एज एन एक्टर वो वापस ट्रैक पर आ जाती है।